हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएसएस स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूं छवि सोनी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th कॉमर्स स्टेटिस्टिक चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर एक्सरसाइज 1 का सेक्शन एफ सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस सारी एक्सरसाइजेस और सारे सेक्शंस अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सेक्शन एफ में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। फाइंड दी लास्ट पेयर्स एंड पाशेज इंडेक्स नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015 बाय टेकिंग द ईयर 2014 एज द बेस ईयर। ऑल्सो फाइंड द फिशर्स इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रिट इट। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर तीनों फार्मूलाज यूज़ करनी है। आप देख सकते हैं हमें जो कमोडिटीज़ दी गई है वो है वीट, राइस, दाल और ऑयल। और 2014 और 15 हमें दो ईयर्स दिए गए हैं। 2014 जो है वो बेस ईयर बन जाएगा। तीनों फार्मूलाज यूज़ करनी है, लास्ट पेयर, पाशेज और फिशर, और इंटरप्रीट करना है। बट यहाँ पर आप कॉलम्स देखिए, आपको प्राइस पर यूनिट दिए गए हैं 2014-15 के, और साइड में आपको टोटल एक्सपेंडिचर के कॉलम्स दिए हैं। आपको क्वांटिटी नहीं दी गई है, यहाँ पर मार्क कीजिएगा, आपको क्वांटिटीज़ नहीं दी गई, आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस तरफ यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो डेटा नोट डाउन किया है वो जितना हमें क्वेश्चन में से चाहिए उतना नोट डाउन कर लिया है। जैसे आप यहाँ पर सारी कमोडिटीज़ देख सकते हैं, वीट, राइस, दाल, ऑयल, और लास्ट में टोटल का एक कॉलम। उसके बाद P0, Q0, P1, Q1 चार कॉलम्स आपको चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड रहते हैं। P0 की जो वैल्यूज़ है यानी जो प्राइजेज़ है 2014 की, वो यहाँ पर मैंने लिख ली है जो सेम एज क्वेश्चन है। P1 यानी जो करंट ईयर की प्राइजेज़ है 2015 की, जो क्वेश्चन में दी गई है, करेक्ट है और वो हमें यहाँ पर चाहिए, इसलिए ये भी नोट डाउन कर लिए। अब जो दो कॉलम्स रहे हैं क्वान्टिटी के, जो हमें फाइंड करनी है क्वान्टिटीज़, तो आप क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं हमें क्वांटिटीज़ कैसे फाइंड करनी है। हमें जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया है उसे हम प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वांटिटीज़ मिल जाएगी। अब जैसे 2014 का जो एक्सपेंडिचर है फॉर वीट, उसे हम अगर वीट की जो प्राइस है 16 उससे डिवाइड करें तो 224 डिवाइडेड बाय 16 हमारा आंसर यहाँ पर आता है 14। ये बन जाती है हमारी क्वांटिटी फॉर वीट इन 2014। नेक्स्ट चेक कीजिए, नेक्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर राइस का है 140 और हमें उसे डिवाइड करना है 35 से, तो हमारा आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है दाल, जिसकी टोटल एक्सपेंडिचर है 200 और प्राइस है 100, तो 200 को 100 से डिवाइड करना है तो आंसर 2 आएगा। इसी तरह से 108 आपको प्राइस दी गई है और टोटल एक्सपेंडिचर है 432, तो 432 को 108 से डिवाइड करना है जो प्राइस है, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो ये आपको क्वांटिटीज़ मिली है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्वांटिटीज़ फॉर करंट ईयर Q1 की वैल्यूज़। तो Q1 फाइंड करने के लिए आप जो 2015 का टोटल एक्सपेंडिचर देख सकते हैं 270, उसे आपको 2015 की जो प्राइस है 18 उससे डिवाइड करना है, तो 270 डिवाइडेड बाय 18 हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 15। नेक्स्ट राइस के लिए है 200 रुपीज़, उसे 40 से डिवाइड करना है तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 5। 360 दिया गया, उसके बाद उसे हमें डिवाइड करना है 120 से, तो यहाँ पर 3 आंसर आएगा। और लास्टली 600 फॉर ऑयल, टोटल एक्सपेंडिचर है 120, उसकी पर यूनिट प्राइस है, तो 600 डिवाइड बाय 120 यहाँ पर हमारा आंसर आता है 5 का। P0, Q0, P1, Q1 सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स हमारे पास है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो रिमेनिंग 4 कॉलम्स है उसे नेम दे देना है, दैट इज़ P1, Q0, P0, Q0 यही सीक्वेंस में लिखेगा, और लास्ट यहाँ पर P1, Q1 और उसके बाद आएगा P0, Q1, राइट। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करके रखनी है। और अब इन सभी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे P1, Q0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P1 और Q0 14 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 225। उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो यहाँ पर 160, 2 मल्टीप्लाइड बाय 120, 240, 4 मल्टीप्लाइड बाय 120,
480। इसी तरह से P0 Q0 फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P0 Q0, तो इन दोनों कॉलम्स का इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करना है 16 × 14, तो यहाँ पर 224, 35 × 4 = 140, 100 × 2 = 200 और 108 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर आएगा 432। तो आई होप आप समझ रहे हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है P1 Q1, राइट। अब P1 × Q1 18 × 15, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 270। 40 × 5, तो यहाँ पर 200। 120 × 3 = 360 और 125 = 600। तो आई होप आप ये भी कॉलम समझ गए होंगे किस तरह से हमें सॉल्व करना था। लास्ट कॉलम P0 Q1, ये रही P0 की वैल्यूज और ये रही Q1 की, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 16 × 15 गिव्स अस 240, 35 × 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 175, 100 × 3 = 300 और 108 × 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 540। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लास्ट में टोटल कर लेना है, तो इन सभी का टोटल यहाँ पर मैं इस तरफ लिख दूँगी। इसका टोटल हमारा आ रहा है 1132। नेक्स्ट जो है P0 Q0, इसका टोटल आ रहा है 996। P1 Q1 का टोटल आ रहा है 1430 और लास्ट जो है कॉलम उसका टोटल हमारा यहाँ पर आ रहा है 1255। तो आई होप आपका सेम आंसर रहा होगा। अब हमें तीनों फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, लास्ट पेयर पाशेज और फिशर, और यहाँ पर फाइंड करना है कितना इंक्रीज आया। तो आप ये जो वैल्यूज़ आई है इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें लास्ट पेयर वाली फार्मूला में इन दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। पाशे की फार्मूला में इन दोनों को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। अरे जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किए उन्हें यहाँ पर पुट आउट कर देते हैं। σP1Q0 फर्स्ट जो हमें मिला था वो था 1132, जिसे हम डिवाइड करेंगे 996 से, जो P0Q0 की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 113.65। इसमें से आपको क्या करना है, 100 माइनस करना है। 100 जब आप माइनस करेंगे, ये तो एक्चुअल इंडेक्स नंबर है, अब 100 माइनस करने पर यहाँ पर जितना इंक्रीज़ आया है प्राइस में वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 13.65% का इंक्रीज़ आया है प्राइस में, इससे ये फाइंड करने के लिए 100 माइनस किया जाता है। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे। पाशेज के लिए P1 Q1 उसकी वैल्यू हमारी आई थी 1430, जिसे हम डिवाइड करेंगे P0 Q1, जो लास्ट वैल्यू लास्ट कॉलम की थी 1255, मल्टीप्लाई करना है 100 से। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 113.94 इसका आंसर आया है, राइट। आप देख सकते हैं 113 की सीरीज़ ही चल रही है, और यहाँ पर इसमें से आपको 100 माइनस कर देना है, तो 13.94% का इंक्रीज़ आया है प्राइस में अकॉर्डिंग टू पाशे। तो इनकी प्राइस में, इनके अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज़ आ रहा है सेम प्राइजेज में, वो यहाँ पर हमें अलग अलग फार्मूला से पता चला है। नेक्स्ट अब यहाँ पर फिशर के लिए, तो दोनों का जो इंडेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये है इंडेक्स नंबर दोनों का, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 113.65 × 113.94, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस करने के बाद ही आपको रूट का बटन प्रेस करना है, तब हमारा आंसर आएगा एक्चुअल 113.79। और इसमें से 100 माइनस करने पर, ये इंडेक्स नंबर है, 100 माइनस करने पर 13.79% का इंक्रीज़ आया है इन दी प्राइजेस अकॉर्डिंग टू फिशर। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 2 जो है वो भी इजी है, सेम ऐसा ही है, उसमें भी टोटल एक्सपेंडिचर है जिसे आपको डिवाइड करना है क्वांटिटी से, तो आपको प्राइस मिल जाएगी। वहाँ पर ट्विस्ट करके उल्टा करके पूछा हुआ है, आपको क्वांटिटीज़ दी गई है कंजम्पशन, आपको प्राइजेस नहीं दिए। यहाँ पर आपको क्वांटिटी फाइंड करनी थी, वहाँ पर डिवाइड करके प्राइस और कोई चेंजेस नहीं है। तो क्वेश्चन 2 आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन रीड करती हूँ. कंप्यूट द फिशर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स. तो यहाँ पर आपको 6 डिफरेंट आइटम्स का डेटा गिवन है, ए बी सी डी ई एफ. और आप देख सकते हैं हमें 2013 और 15 की प्राइजेस एज वेल एज क्वांटिटीज दे दी गई है. 2013 बन जाएगा बेस ईयर, 2015 बन जाएगा हमारा करंट ईयर. अब यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं वो एक्चुअली यूनिट्स और प्राइजेस में आता है. तो यूनिट्स आप देख लीजिए जब भी आपको दिए गए हों. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 kg, क्विंटल्स, kg, लीटर्स, मीटर और डजन्स में. और उनकी जो यहाँ पर क्वांटिटीज दी होती है वो उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है, इससे हमें प्राइजेस में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. प्रीवियसली हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं, फिर भी स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पर आप देखिए जो यूनिट्स है, ए से स्टार्ट कर 20 kg यूनिट्स में लिखा हुआ है. बट यहाँ पर आप क्वांटिटी चेक कीजिए. सबसे पहले आपको यूनिट्स देखना है 20 kg, राइट. उसके बाद कहाँ जाएंगे आप, क्वांटिटी पे. क्वांटिटी देखिए सेम, अगर 20 kg है तो आपको कोई चेंज नहीं करना. बट यहाँ पर 5 kg और 12 kg दिया है तो हमें चेंज करना है. पहले तो हम 20 kg जो यूनिट्स है वहाँ पर 1 kg करेंगे. अब 1 kg करने के बाद हमें प्राइस को बदलना है. जो प्राइजेज है 13 और 15 की वो हमें 20 kg की प्राइस दी है, बट हमने उसे चेंज करके 1 kg कर दिया है. तो हमें ये जो प्राइजेज है वो 20 kg की है, जिसे भी चेंज करके 1 kg कर देना है. तो चेंज करने के लिए हमें 20 से इन प्राइजेस को डिवाइड करना पड़ेगा. तो 600 को 20 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 30 आएगा, और 880 को 20 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 44 आएगा. तो ये चेंजेस हमें कमोडिटी ए में करने थे, और जो नए चेंजेस हैं इन्हीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब यूनिट बी यानी जो आइटम बी है वहाँ पर चलते हैं. उसकी यूनिट्स आपको क्विंटल में दी गई है. अब क्विंटल चेक कीजिए और उसके बाद क्वांटिटीज़ पे आ जाइए. क्वांटिटीज़ क्विंटल में है नहीं, यहाँ पर क्वांटिटीज़ हमें केजीज़ में दी गई है. तो हमें क्विंटल को चेंज करना है, पहले केजी लिखना है और अब प्राइजेस को बदलना है, क्योंकि ये प्राइस क्विंटल की थी और हमने क्विंटल को कैंसिल कर दिया. तो यहाँ पर अब जो प्राइजेज है उसे आपको डिवाइड करना है 100 से. तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि अब हमने क्विंटल को केजी में कन्वर्ट किया है तो 1 क्विंटल मतलब कितने केजीज होते हैं. तो यहाँ पर 100 kg होते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे दोनों प्राइजेस को. तो फर्स्ट जो प्राइस आपको दी गई है वो है 1600, उसे 100 से डिवाइड करना है तो आंसर 16 आएगा. नेक्स्ट प्राइजेस आपको दी गई है 2400 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर 24 आएगा. तो इस तरह से प्राइजेस चेंज हो गई फॉर कमोडिटी बी. सी पे चलते हैं. जो सी कमोडिटी है वो चेक कीजिए. यहाँ पर आपको केजीज़ में दिया गया है. अब क्वांटिटी पे आ जाइए. क्वांटिटीज़ आपको ग्राम्स में दी गई है, तो प्राइजेस जो है वो केजी की है. तो आप ग्राम्स को इजीली केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम प्राइजेस को चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पर प्राइस सिमिलर रहने देते हैं, क्योंकि प्राइस छोटी अमाउंट है, राइट. आप देख लीजिए प्राइस छोटी अमाउंट है इसलिए इसे चेंज नहीं करते हैं. बट जो ग्राम्स दिए गए हैं वो ज़्यादा है, उसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो सिर्फ यहाँ पर आपको जो क्वांटिटीज़ है उसे केजी में कन्वर्ट करना है. तो 1200 ग्राम्स दिखा है, उसे आप डिवाइड करेंगे 1000 से, राइट. तो यहाँ 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams. तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा. 1200 डिवाइडेड बाय 1000 तो हमारा आंसर आएगा 1.2. उसके बाद 2015 की जो क्वांटिटी है उसे भी चेंज कर देना है. 2000 ग्राम्स दिया गया है तो आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 kg, राइट. तो अब किलोग्राम्स में प्राइजेज है और किलोग्राम्स में क्वांटिटीज है. तो सी का हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है यहाँ तक. कोई भी डाउट्स या क्वेरीज लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. जो कमोडिटी डी है वो स्टार्ट करते हैं. डी कमोडिटी में लीटर्स में दिया गया है, तो प्राइजेज 1 लीटर की है और क्वांटिटी लीटर्स में है तो कोई चेंजेस नहीं करना है. ई पे चलते हैं. ई कमोडिटी मीटर्स में है, प्राइजेस भी मीटर में है, क्वांटिटी भी 1 मीटर. प्राइजेस 1 मीटर की है और क्वांटिटी यहाँ पर मीटर्स में है तो यहाँ पर भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं. अब एफ पे आ जाते हैं. कमोडिटी एफ डजन में आपको यूनिट्स दिए गए हैं, बट जो
क्वांटिटीज़ है वो चेक कीजिए, क्वांटिटीज़ आपको पीसेज में दी गई है, तो यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, ऊपर डज़न है और उसके बाद क्वांटिटी पीस में है, तो आप डज़न को पहले कट कर दीजिए यूनिट्स में और वहाँ पर पीस लिख दीजिए। अब यहाँ पर वन पीस हो चुका है, क्वांटिटी पीस में, प्राइस जो है वो वन डज़न की है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस को 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वन डज़न में 12 पीस होते हैं, तो हमने डज़न को चेंज कर दिया, पीस कर दिया, तो यहाँ पर भी हम प्राइजेस को पीस में कन्वर्ट कर देंगे, तो 30 डिवाइडेड बाई 12 हमारा आंसर 2.5 आएगा और 36 डिवाइडेड बाई 12 हमारा आंसर 3 आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स सारे चेंजेस आप देख सकते हैं, इन्हीं चेंजेस को हमें पुट आउट करना है और बाकी के जो जहां पर हमने चेंजेस नहीं किए हैं उन सभी को एज इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं जितना भी डेटा हमें था दिया गया था और जो चेंजेस थे वो सब कुछ हमने यहाँ पर कर लिए हैं। चेंजेस करने के बाद का डेटा आप कंप्लीट देख सकते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, सारी कमोडिटीज़ है ए बी सी डी ई एफ P0, Q0, P1, Q1, राइट। और ये तो आपको याद ही होगा कि हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर फाइंड करना है आई एफ की वैल्यू, तो हमें सारी वैल्यूज़ तो फाइंड करनी ही पड़ेगी, P1, Q0, P0, Q1 और P0, Q1, तो ये चारों की चारों हमें यहाँ पर P1, Q0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं P1 और Q0 5 × 44, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 220। नेक्स्ट 10 × 24 240, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 75, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 90। 30 मल्टीप्लाइड बाई 32, तो यहाँ पर 960। 12 × 12 = 144 और 23 जा यहाँ पर हमारा आंसर आता है 60। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने क्वेश्चन यहाँ तक का सॉल्व किया। P0, Q0 ये दो जो फर्स्ट कॉलम्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 × 5 = 150, 16 × 10 = 160, 60 × 1.2 तो यहाँ पर आएगा 72, 52 × 30 = 1560, 8 × 12 = 96, ऑल राइट। और लास्ट में 2.5 × 20, तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 50। नेक्स्ट चेक करते हैं P1, Q1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P1 और Q1 44 × 12, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 528, 24 × 12 = 288, 75 × 2 = 150, 32 × 36 = 1152, 12 × 20 = 240, 3 × 16 = 48। तो ये भी आपने देख लिया है। यहाँ तक अगर कोई डाउट्स क्वेरीज लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वन फर्स्ट और लास्ट कॉलम दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 × 12, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 360, 16 × 12 = 192, 60 × 2 = 120, उसके बाद है 52 × 36, तो यहाँ पर 1872, 8 × 20 = 160 और 2.5 × 16 आंसर आता है 40। तो अब बस लास्ट में हमें सभी का टोटल करना है चारों कॉलम्स का, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं P1, Q0, यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 1714, नेक्स्ट P0, Q0 का टोटल आ रहा है 2088, उसके बाद P1, Q1 का टोटल आ रहा है 2406 और लास्ट में हमारा टोटल यहाँ पर आ रहा है 2744। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने ये पूरा यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब चलिए फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं और फिशर की फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर फाइंड करते हैं।
सो फ्रेंड्स, आप फॉर्मूला देख सकते हैं, हमें इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर फाइंड करना है, सिग्मा पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो। अगर आपको याद होगा तो ये लास्ट पैर की फॉर्मूला है जिसे हम मल्टीप्लाई करें पाशे की फॉर्मूला से, ये वाली, और दोनों के बाद जो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा दिया है, राइट, आउटर साइड यहाँ पर दिखा दिया है। तो हमें यहाँ पर दोनों फार्मूलाज पुट आउट करनी है, जो चारों चीज़ हमने फाइंड की है उसे लाइन वाइज यहाँ पर पुट आउट करना है, डिवाइडेशन करना है, और बाहर यहाँ पर रूट करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ पहले पुट आउट कर देते हैं, सिग्मा पी वन क्यू जीरो, तो पी वन क्यू जीरो की हमारी वैल्यू आई थी 1714, जिसे डिवाइड करना है 2088 से, मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट 2406, वो डिवाइड करेंगे पी ज़ीरो क्यू वन से 2744, और इसका रूट करना है, मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू प्रेस करना है, उसके बाद रूट करना है, और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तब हमारा आंसर आता है 84.84। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पर आंसर बन जाता है, इंडेक्स नंबर बाय फिशर्स फार्मूला। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें, क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 6 इसलिए सॉल्व करें डायरेक्टली बिकॉज फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइजेस में सॉल्व किए थे, वैसे ही है, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, बट कहीं पर भी आपको डाउट्स या क्वेरीज लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई देकर उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए क्वेश्चन 6 रीड करते हैं। द डेटा इज गिवन बिलो टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इफ़ द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीज बाय 5% इन द ईयर 2015, देन इज दिस राइज सफिशियंट टू कंपनसेट द राइज इन प्राइस इन द ईयर 2015। तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप्स दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ फूड, फ्यूल, हाउसिंग, क्लोथिंग और मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है वो हमें फाइंड करना है, इज इनके इंडेक्स नंबर में आया है या नहीं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। बट यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर दो ईयर का इंडेक्स नंबर दिया गया है, तो हमें दो बार इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यानी जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे सिग्मा, जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, वो हमें दो बार यूज़ करनी है। एक बार जब हम यूज़ करेंगे तब आई वन के लिए यूज़ करेंगे, और दूसरी बार हम सिग्मा आई टू डब्ल्यू और डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू के लिए यूज़ करेंगे। तो आई वन और आई टू, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर वन जो है वो 2014 का लिखेंगे, आई टू में 2015 का लिखेंगे। दोनों को अलग अलग बार डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके नई वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, और इन दो बार इन वैल्यूज़ को पुट आउट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं पहले सारी वैल्यूज़ इन तीनों कॉलम्स की नोट डाउन कर देती हूँ। पहले वेट्स लिखूँगी, उसके बाद इंडेक्स नंबर वन यानी जो 2014 का हमें दिया गया 270 से स्टार्ट होता है वो वाला, और उसके बाद इंडेक्स नंबर टू यानी जो हमें 281 से स्टार्ट हो रहा है 2015 का वो। तो ये तीनों मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, सारा डेटा नोट डाउन कर लिया है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, वेट्स, इंडेक्स नंबर वन और इंडेक्स नंबर टू। अब हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर वन और वेट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये जो फर्स्ट दो कॉलम्स आप देख सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 31 इंटू 270 तो 8370, 14 इंटू 168 2352, उसके बाद 4510, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1740, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 23 इंटू 303, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 6969। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद इंडेक्स नंबर टू, जो हमें आई की वैल्यूज़ 2015 की दी गई है, उसे फिर से आपको डब्ल्यू की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 281 इंटू 31 तो 8711, उसके बाद है 178 मल्टीप्लाइड बाय 14
तो 2492, उसके बाद 4620 यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो, उसके बाद 10 × 177 तो 1770 और लास्ट में 23 × 337 तो यहाँ पर हमारा आंसर 7751। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सभी कॉलम्स का टोटल करना है, तो पहले इन दो कॉलम्स का टोटल करेंगे। फर्स्ट वाले कॉलम का टोटल हमारा आ रहा है 23,941, सेकेंड कॉलम का टोटल हमारा आ रहा है यहाँ पर 25,344, और जो वेट्स है उसका टोटल हमें चाहिए सिग्मा डब्ल्यू का, तो यहाँ पर हमारा टोटल 100 आ रहा है। अब बस हमें फॉर्मूला में पुट आउट करना है और वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूलाज मैंने नोट डाउन कर लिए। अब हम यहाँ पर दो इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, I1 और I2। I1 यानी 2014 की जब इंडेक्स नंबर को हमने कंसीडर करके जो वैल्यूज़ फाइंड की थी, सिग्मा I1W डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ये इसकी फॉर्मूला बन जाएगी, दोनों ही चीज़ हमारे पास है। और I2 यानी हमें इसमें 2015 का डेटा यूज़ करना है, जो हमने सिग्मा I2W जो वैल्यूज़ फाइंड की थी उससे। तो चलिए सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास सिग्मा IW जो I1W है उसकी वैल्यू आई थी यहाँ पर 23,941, उसे डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो यहाँ 239.41। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमें चेक करना है यहाँ पर सेकेंड वाले में दोनों वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। तो फर्स्ट हमारी थी 25,344 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर हमारा है 253.44। अब आपको बाकी के स्टेप्स में इस तरह फॉलो कर रही हूँ, आपको यहाँ पर I2 माइनस I1 करना है, यानी जो करंट ईयर है उसमें से प्रीवियस ईयर की ये जो इंडेक्स नंबर है इसे सब्ट्रैक करना है, इस इंडेक्स नंबर में से ये वाला सब्ट्रैक करना है, तो अब आपका आंसर जो है वो इंक्रीज़ मिलेगा आपको, 14.03% का इंक्रीज़ आया है, ये आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर आपको कंक्लूड कैसे करना है, तो आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करना है इस सम के बाद यहाँ पर, तब आपका कंक्लूजन निकल कर आएगा। अब ये जो 14% का इंक्रीज़ है, 14.03% का इंक्रीज़, इसे हम डिवाइड करेंगे फिर से जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है हमारा, डिवाइड करना है 239.41 से और मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर 5.86% आप कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5% का इंक्रीज़ क्वेश्चन में दिखाया गया है और हमारा आंसर आया 5.86% का, तो यहाँ पर कंपनसेट नहीं कर पाएंगे वर्कर्स को। बस इतना आपको कंक्लूड कर देना है, पहले ये स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद ये दो स्टेप और फॉलो करना है, इसमें से ये वाली अमाउंट माइनस करनी है, तब आपका आंसर 14.03 आएगा, उसे फिर से आपको इस वैल्यू से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तब आपको ये आंसर फाइनली मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको सॉल्व करवा नंबर 10 सॉल्व करें, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करती हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राइट, जो बीच में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए हैं, दैट इज़ 7, 8 और 9, वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और सिमिलर है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करती हूँ। द इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग आर 150 and 224.7। तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया गया है, यानी आई की वैल्यू दे दी गई है फॉर फूड एंड क्लोथिंग, दो कमोडिटीज़ आप समझ के होंगे, फूड और क्लोथिंग, जिनकी इंडेक्स नंबर की वैल्यू दी गई है इन द ईयर 2015। तो ये 2015 का इंडेक्स नंबर है। अब उसके बाद चेक कीजिए, द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज बाय 220%। तो अब ये नई एक और कमोडिटी आई फ्यूल, फर्स्ट था फूड क्लोथिंग और उसके बाद है फ्यूल, तो थर्ड कमोडिटी आपको लिखनी है फ्यूल, जिसका जो प्राइस इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ 220% से। द एक्सपेंस ऑन रेंट
हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 6,000 रुपीज़। अब आपको रेंट भी दिया गया, पहले फूड था, उसके बाद क्लोथ, उसके बाद फ्यूल, उसके बाद आपको अब रेंट भी दिया गया है फोर्थ नंबर पे। और ये जो रेंट है उसमें जो इंक्रीज आया है वो रुपीज़ में आपको दिखाया गया है। पहले वाले जो फूड और क्लोथ थे उनका इंक्रीज़ इंडेक्स नंबर में था, उसके बाद जो फ्यूल था उसका इंक्रीज़ हमें दिया गया था परसेंटेज में, अब रेंट है वो रुपीज़ में है। तो आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है 4,000 और 6,000 इंक्रीज होकर हुआ है। अब लास्ट कमोडिटी आपको दी गई है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो इंक्रीज हुआ है 1.75 times। तो आप देख सकते हैं सारा डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और लास्ट में आपको कहा गया है इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट फोर ग्रुप्स आर 40%, 18%, 12% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 एंड इंटरप्रेट इट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में फार्मूला कौन सी यूज़ करनी है। फार्मूला हमारी होती है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ रिक्वायर रहेगी, इंडेक्स नंबर और उनके वेट्स। तो इंडेक्स नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे और यहाँ पर समझेंगे। देखिए फूड जो है फर्स्ट, ये सारे ग्रुप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं फूड, क्लोथ, फ्यूल, रेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इतनी चीज़ें हमें दी गई थी। हमें इंडेक्स नंबर, वेट्स और IW तीन कॉलम्स फाइंड करना है, तो हमारा आंसर I का फाइंड हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ कैसे लेकर आनी है, तो आपको जो पैराग्राफ दिया है उसी में इसका सॉल्यूशन है। तो हमने पहले कमोडिटीज़ तो बायफॉरगेट कर दी कि हमें कौन कौन से ग्रुप्स दिए गए हैं। अब इंडेक्स नंबर देखिए, तो स्टार्टिंग से आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ ही है। फूड का आपको दिया है 150, तो वो इंडेक्स नंबर डायरेक्ट आपको दे दिया गया है। क्लोथिंग का 124.7, राइट, तो ये क्लोथिंग का इंडेक्स नंबर भी आपको डायरेक्टली दे दिया गया। उसके बाद जो फ्यूल है उसमें आपको 220% करके लिखा गया है, 220%। तो जब भी परसेंटेज में इंक्रीज़ हो तब हम 100+ करते हैं। तो आपको मिक्स डेटा दिया है, आपको उसे बायफॉरगेट करना है कि यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 320, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं रेंट। रेंट में आपको दिया गया है, रेंट के लिए जो डेटा है वो आप देखिए, रीड कीजिए लाइन, 4,000 से 6,000 का रेंट इंक्रीज़ हो गया है। तो जो इंक्रीज़ अमाउंट है यानी 6,000, उसे हम डिवाइड करेंगे 4,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर आपको याद हो तो हम जनरली जो इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे उसमें I = P1/P0 × 100 करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही किया है, जो 4,000 का रेंट था वो इंक्रीज होकर 6,000 हुआ, यानी 6,000 करंट ईयर का था, 4,000 प्रीवियस ईयर का था। तो 6,000 को 4,000 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 से। तो बस ये जो आई की वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं वही यहाँ पर यूज़ करना है। थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए डेटा इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट किया है, बट पूरे चैप्टर में इस कंसेप्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बस आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 150। इसका 320 इंडेक्स नंबर है, इसका 224.7, इसका 150। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस बताए गए, इंक्रीज़ हुए 1.75 times। तो यहाँ पर 1.75 times इंक्रीज़ हुए हैं। तो अगर आप इसे 175% समझ ले, राइट, अगर 100 से कंपेयर करें तो 175% होते हैं, ठीक है। 1.75, तो 1 का मतलब होता है 100 प्लस 75, यानी 175% गिन सकते हैं। परसेंटेजेस में हो तो आपको 100 प्लस कर देना है, 100 + 175, तो यहाँ पर हमारा टोटल आता है 275, ठीक है। समझ रहे होंगे आप मैंने कैसे ये 175 को 100 से प्लस किया। देखिए आपको यहाँ पर 1.75 टाइम्स लिखा था, जैसे अगर हम डबल बोलते हैं तो वो 2 times होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 times से थोड़ा कम 1.75 दिया है। अब मैंने 175 को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, पहले 1 का 100% गिना और 75 का
75 लिख दिया, 0.75 को 75 मान लिया, तो यहाँ पर 175%। अब जब परसेंटेजेस में इंक्रीज़ हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 हम प्लस करते हैं, वैसे ही यहाँ पर 100 ऐड किया तो आंसर आया 275। अब क्या करना है आपको, वेट्स चाहिए, तो वेट्स भी आपको क्वेश्चन में ही दिए गए। फर्स्ट चेक कीजिए, आपको फर्स्ट फोर ग्रुप्स के वेट्स दे दिए गए। फर्स्ट फोर ग्रुप्स के वेट आप चेक करें तो हमें दिया गया है 40%, उसके बाद है 18%, उसके बाद दिया गया 12%, डायरेक्ट आपको रिस्पेक्टिवली कहा गया है, और लास्ट का है 20%। तो आप देख सकते हैं हमें सारे वेट्स दिए गए, लास्ट वाले का वेट नहीं दिया है। तो आप क्या कीजिए, पहले इनका टोटल कर लीजिए 90, और वेट्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नियरेस्ट टू 100 होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई वैल्यू ना दी गई हो टोटल की, तो आपको इसे 100 अज्यूम करना है, सिग्मा W इज इक्वल्स टू 100। अब 100 और इनको अगर माइनस करें, यानी 40, 18, 12 और 20 को माइनस कर दें, तो हमारा आंसर आता है 10, जो बन जाता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस का वेट। तो ये सारा रफ वर्क है, इसे इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पर फोकस कीजिए, मिसलिनियस एक्सपेंसेस का वेट 10 आया है। 10% लिखिए, या अगर आप परसेंटेज नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप परसेंटेज मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सिर्फ वेट चाहिए थे, वेट्स परसेंटेजेस में नहीं होते। अब चेक कीजिए यहाँ पर 150, राइट, तो यहाँ पर 150 इंडेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे वेट से 40 से, तो 150 इंटू 40 यहाँ पर हमारा आंसर आता है 6000, 224.7 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो 4044.6, उसके बाद यहाँ पर है 320 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो इसका आंसर हमारा आता है 3840, उसके बाद 150 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो 3000, और लास्ट में 275 इंटू 10 2750। इसका टोटल करना है सिग्मा IW का, तो यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 1963.4.6, 19634.6। अब फार्मूला में अप्लाई करना है सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, राइट, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं, 19634.6 इसे हमें डिवाइड करना है यहाँ पर 100 से, तो हमारा आंसर आएगा 196.34। तो अब यहाँ पर इसमें से आपको 100 क्या करना है, माइनस करना है, ये तो इंडेक्स नंबर है, प्राइस में इंक्रीज़ कितना आया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना इंक्रीज़ आया है, ये जानने के लिए हम इस अमाउंट में से 100 माइनस करेंगे, तब हमारा आंसर आता है 96.34% का। तो 96% का इंक्रीज़ आया है, ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, पूरा सेक्शन एफ हमारा कंप्लीट होता है। मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवा दिए, जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे। कोई डिफ़िकल्टीज़ आपको बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस में रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो से मैं सेकेंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और भी कोई डाउट्स या क्वेरीज आपको सेकेंड चैप्टर में रह रही हो या आपने स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।